फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज शुक्रवार का दिन है, कमोडिटी बाजार के हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और कारोबारी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन का आखिरी घंटा जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में ही एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, आने वाले कारोबारी सप्ताह में क्या रह सकता है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में। तो नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सबसे पहले स्टार्ट करें अगर गोल्ड और सिल्वर से, तो गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि उठापटक वाला माहौल जारी है। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को जो सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है और जो यूएस फेड बार बार मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की बात कह रहा है, उसकी वजह से डॉलर और डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट है और डॉलर में तेजी रहने के चलते, डॉलर इंडेक्स में तेजी और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी रहने के चलते हमने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा ड्रॉप आते हुए देखा है। लेकिन जानकारों का यही मानना है कि भी शॉर्ट टर्म में भले ही गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो हल्की नरमी के साथ ट्रेड होते नज़र आ जाएं या फिर बाजार जो है थोड़ा उठापटक की ओर जाता हुआ नज़र आए, क्योंकि देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई भी देखने को मिल रही है। तो जब जब आपदा आती है, लड़ाई की युद्ध की स्थिति होती है, तो हमेशा देखा जाता है कि सोने चांदी की जो प्राइजेज हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं, सेफ हेवन डिमांड निकल जाती है। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉपर रनिंग ऑर्डर में है, रशिया और यूक्रेन के छोड़ के अगर बाकी देशों के देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। इसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक सेफ हेवन डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अभी एक सीमित दायरे में ही सोने चांदी का बाजार कारोबार करता नज़र आ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो सोने और चांदी की जो प्राइजेज हैं वो तेजी की ही ओर हैं। चांदी में तो जानकारों ने, एक्सपर्ट्स ने ये भी कह दिया है कि जो चांदी है इस साल के अंत तक, साल 2022 के अंत तक जो चांदी है 90,000 तक का स्तर दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल रुझान लॉन्ग टर्म में सोने चांदी में तेजी वाला ही रहेगा और अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोने चांदी में हाई वॉलेटिलिटी वाला, उठापटक वाला माहौल देखने को मिलता रहेगा और कीमतें ऐसे ही ट्रेड करती रहेंगी। कभी रशिया से बयान आ गया किसी का, कभी यूक्रेन से बयान आ गया, कभी यूरोपियन यूनियन से, कभी यूक्रेन से। तो इन्हीं बयानों के बीच अभी सोने चांदी की जो प्राइसेस हैं इनसे ही कभी अप जाएंगी और कभी डाउन जाएगी। हाई वॉलेटिलिटी सोने चांदी के जो बाजार है उसमें देखने को मिलती रहेगी। बात करेंगे यहाँ से अब कच्चे तेल की। तो WTI देख रहे हैं कि $101 पर है, 2% की गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 पर, 2% की गिरावट। हमने एक डेढ़ कारोबारी सप्ताह पहले WTI को $95-$94 तक भी जाते हुए देखा था, $100 के नीचे लुढ़का था और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो भी $100 के आसपास ही ट्रेड करता नजर आया था, $100 से लेकर $102 तक। उस टाइम पे ये खबरें थी कि चाइना में जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से कच्चे तेल की जो डिमांड है वो घट गई है, बल्कि जो मार्केट में जो सप्लाई है वो भी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है अभी भी। तब भी हमने क्रूड के प्राइसेस में फॉल आता हुआ देखा था। अब कच्चे तेल के जो फंडामेंटल्स हैं वो कुछ तेजी वाले हैं और कुछ मंदी वाले हैं। तेजी वाले हैं कि चाइना में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो चाइना में जो लॉकडाउन लगा है उसमें कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसकी वजह से जो चाइना है दोबारा से अपने कुछ बिजनेस चालू कर रहा है, धीरे धीरे रनिंग ऑर्डर में आ रही है। फिर चाइना की ओर से ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाइना को स्टिमुलस पैकेज मिलने की घोषणा की जा सकती है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है चाइना की फिर से रनिंग ऑर्डर में आएगी, फिर से चल पाएगी। तो जब चाइना मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है, चाइना भी काफ़ी अहम योगदान रखता है पूरे वर्ल्ड वाइड के बाज़ार में, अगर चाइना दोबारा से अपने बिजनेस में रनिंग ऑर्डर में आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की ठीक ठाक रहती है, रनिंग में रहती है, तो उससे क्रूड के जो प्राइसेस हैं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। और कच्चे तेल में अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया के नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना, इसमें अमेरिका यूरोपियन यूनियन का साथ दे रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि वो जो ऊंची कीमतों वाली जो मार्केट है उसको कैप्चर करे और यूरोपियन यूनियन रशिया से ना खरीद कर अमेरिका से खरीदे। तो अमेरिका कुछ इसलिए भी यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन पूर्ण रूप से अभी एकदम से रशिया का
रशिया से कच्चा तेल और नेचुरल गैस बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो साल के अंत तक ही कर पाएगा। एकदम से कर देना, ऐसा करना यूरोपियन यूनियन के लिए क्राइसिस वाला स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन एकदम से नहीं कर सकती है, उसको अभी टाइम लग जाएगा। बात करेंगे यहाँ से अब नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि नेचुरल गैस 1% की तेज़ी के साथ $7 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। हमने नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उनको तेज़ी की ओर भी जाते हुए देखा था। नेचुरल गैस में $8 तक के जो लेवल था वो देखने को मिला था। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन रशिया के नेचुरल गैस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। बयान आ चुके हैं कि हाँ वो कर देंगे। इसकी वजह से जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेज हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन रशिया से नहीं खरीदेगा तो कहीं दूसरी देश से खरीदेगा, किसी दूसरी जगह से आपूर्ति होगी, और रशिया से अभी इतनी ज़्यादा आपूर्ति नेचुरल गैस की नहीं देखने को मिल रही है। इसकी वजह से मार्केट जो है नेचुरल गैस की सप्लाई के संदर्भ में बात की जाए तो सप्लाई के मद्देनज़र नेचुरल गैस की मार्केट अभी थोड़ी टाइट है। वेदर कंडीशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी अमेरिका में वेदर कंडीशन की चलते नेचुरल गैस में हाइक देखने को मिली थी, तेज़ी देखने को मिली थी, और इसकी वजह से भी हमने एक नया रिकॉर्ड हाई MCX पर बनते हुए भी देखा था। लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से नेचुरल गैस की जो प्राइसेज हैं उनमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन हाल फिलहाल में जो फैक्टर्स बनते नज़र आ रहे हैं नेचुरल गैस को लेकर, वो नेचुरल गैस में आगे जाके तेज़ी वाले ही देखने को मिल रहे हैं। अभी नेचुरल गैस के जो प्राइसेज हैं फिर से ये जो 520-530 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 550-560 तक फिर से जाते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी कि MCX पर जो नेचुरल गैस ने 590 के ऊपर का जो रिसेंटली न्यू हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई, उसके करीब फिर से प्राइसेस जाते हुए नज़र आ सकते हैं। बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स की डिमांड कम रहने की वजह से बेस मेटल्स के प्राइसेस में हमने डाउनफॉल आता हुआ देखा है और कुछ इन्वेंट्रीज भी घटी हैं। इसकी वजह से बेस मेटल्स का जो बाज़ार है वो अभी एक नरमी वाले रुख की ओर ट्रेड कर रहा है। चाइना जैसे ही वापस आ जाएगा तो बेस मेटल्स की जो डिमांड है वैसे ही देखने को मिलने लगेगी। तो कुल मिलाकर बेस मेटल्स में भी लंबी अवधि में तेज़ी का ही रुझान है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का दौर शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनती रहेगी उसमें बैटरी में लिथियम वगैरह का यूज़ होता रहेगा और अन्य बेस मेटल्स का भी यूज़ होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा, बेस मेटल्स के जो प्राइसेज हैं उतने ही तेज़ी की ओर जाएंगे। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोयाबीन से। तो हम सोयाबीन में देख रहे हैं कि US सोयाबीन वायदा $1733 पर ट्रेड कर रहा है 0.25% की करेक्शन के साथ। कल के मुकाबले आज देख रहे हैं कि US सोयाबीन में लगभग $13 की गिरावट देखने को मिली है। तो यानी कि कल के कारोबारी सत्र में जो US सोयाबीन था $1746 तक ट्रेड करता नज़र आ रहा था। अभी ऊपरी स्तरों पर हम अक्सर देखते हैं कि जो कंजप्शन वाली जो डिमांड रहती है, जो खपत वाली डिमांड रहती है वो तो रहती है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट वाली जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन, एज अ व्यापारी, कोई भी नहीं चाहेगा कि महंगे में खरीदा जाए। हर व्यापारी चाहता है कि उसको हर चीज़ सस्ते में मिल जाए, कम दामों पर मिल जाए, कम दामों पर खरीद करके रखने। तो इसीलिए ही हमने ऊपरी स्तर पर जो सोयाबीन है उसमें थोड़ा लिवाल कम होते हुए देखा है। अभी भारत में भी बात की जाए तो भारत में भी सोयाबीन का जो प्रोडक्शन था 21 में ठीक ठाक देखने को मिला था 20 के मुकाबले, और जो साल 2022 में अब जो सोयाबीन का सीज़न आएगा मानसून के आगमन पर, इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सोयाबीन तिलहन का जो उत्पादन है साल 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। अब क्यों ज़्यादा रह सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, सोयाबीन की जो कीमतें हैं पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी हैं, अच्छी खासी बढ़ी हैं। और वो क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कम है। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, यूरुग्वे हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर सोयाबीन पहले के मुकाबले प्रोडक्शन में थोड़ा कम रहा है। इसलिए जो सप्लाई थी सोयाबीन की, जो आपूर्ति थी पूरे वैश्विक स्तर पर थोड़ी टाइट देखने को मिली। और जब सप्लाई टाइट हुई तो प्राइसेस जो ओवरऑल कुल मिलाकर बढ़ते नज़र आए थे। किसानों ने भी जिनके पास सोयाबीन रखी थी उनको कुछ मुनाफा हुआ है,
लेकिन अब किसान मन बना रहे हैं कि तिलहन में सोयाबीन को सरसों की तरह ही सोयाबीन की भी जो बुआई है इस बार अच्छी करी जाए। तो साल 2022 में किसान सोयाबीन की अच्छे से बुआई कर सकते हैं। 2021 में तो किसानों के पास इतना बीज उपलब्ध नहीं था, लेकिन इस बार किसानों ने सोयाबीन दाना स्टॉक करके रखा है और आगे जिससे कि जब बुआई का सीज़न आएगा, जब बुआई का समय आएगा, तो किसान उसे बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे अच्छे बीज को। तो इसकी वजह से जो सोयाबीन का बाज़ार है ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है अभी तक। लेकिन जैसे ही सोयाबीन की बुआई के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, और नो डाउट इस बार सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है ज़्यादा ही रहेगा, तो जब बुआई के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, तो धीरे धीरे सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं उनमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जब तिलहन के दाम थोड़े थोड़े गिरने लगेंगे तो जो खाद्य तेल हैं उनके भी दाम में ऐसी हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़े गिर जाएं, या फिर जो प्राइसेस बढ़ने वाले थे वो वहीं पर रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। क्योंकि इस बार हमने खाद्य तेलों में बात करें अगर CPO की, तो CPO के जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं खाद्य तेलों में। इस बार CPO ने सरसों, सोयाबीन, मूँगफली तेल सबको पछाड़ा है। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई है और यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल की सप्लाई बंद हुई है, तब से लेकर अब तक जो कच्चा पाम तेल है उसके दाम आसमान में चढ़ चुके हैं। क्योंकि जो खपत सूरजमुखी तेल की होनी थी वो डाइवर्ट हो गई है अन्य तेलों पर, और अन्य तेलों में सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हुई है पाम ऑयल पर। और पाम ऑयल पर डाइवर्ट होने से इंडोनेशिया से भरमार एक्सपोर्ट किया जा रहा था क्रूड पाम ऑयल का, और इंडोनेशिया में भी जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और उन्होंने भी पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो बनाकर रख लिया। लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया में जब किल्लत होने लगी क्रूड पाम ऑयल की, तो इंडोनेशिया सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात कह डाली और एक्सपोर्ट रुका हुआ है। तो इसकी वजह से कच्चा पाम तेल यानी CPO तेज़ी की ओर देखने को मिल रहा है। दूसरा, कच्चे तेल में भी अब CPO का कनेक्शन कच्चे तेल से भी है। जैसे अब सबको पता ही है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो बहुत सारे देश हैं वो अब पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल में बायोफ्यूल ऐड किया जाना चाहिए, और बायोफ्यूल में कच्चा तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, और बहुत सारे ऐसी एग्री कम्युनिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जा रहा है, उनमें शुगर भी एक है। तो अगर कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं पाम ऑयल को भी मिलता रहता है। तो अभी कच्चा तेल जैसे तेज जाएगा तो पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं फिर से तेज हो जाएंगे, और पाम ऑयल में अगर तेज़ी आती है तो उसका सपोर्ट रिफाइंड का सपोर्ट ऑयल को मिलेगा। तो ऐसे ही एक चेन में जो एडिबल ऑयल हैं उनको एक सपोर्ट मिलता रहेगा। बात करेंगे यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि लाल निशान पर है बाज़ार, लेकिन कीमतें अभी भी ऊपरी स्तर पर हैं, अभी भी शार्प करेक्शन नहीं है, बहुत ही हल्की मामूली सी करेक्शन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ग्वार की जो प्राइसेज हैं उनमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, और एक्सपोर्ट डिमांड ग्वार की ठीक ठाक देखने को मिल रही है, ग्वार सीड तेज़ी की ओर जाता हुआ नज़र आ सकता है। 2021 के मुकाबले जो ज़्यादातर जानकार हैं 2022 में फंडामेंटल वाली तेज़ी बता रहे हैं, क्योंकि 2021 में फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं थे जितनी ज़्यादा तेज़ी आई थी। लेकिन अब जो तेज़ी बन रही है, इस तेज़ी में जो प्राइसेस 2021 में गए थे उससे भी बेटर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल ग्वार गम ग्वार सीड के अभी इतने स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्वार में तेज़ी वाला ही रुझान है। ग्वार में इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक है और एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक है। प्रोडक्शन पहले ही हमने बता चुके हैं कि 2021 में जो प्रोडक्शन था 20 के मुकाबले आधा था, और ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जिसको सालों साल तक स्टॉकिस्ट, व्यापारी और किसान स्टॉक करके रख लेते हैं। तो अभी जो माल है इनके पास भी है, और जो मंडियों में आ रहा था माल वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से जो ग्वार के प्राइसेस थे, जो अच्छी क्वालिटी की ग्वार के प्राइसेस थे, वो ऊंचाई की ओर थे यानी तेज़ी की ओर थे। तो कुल मिलाकर ग्वार गम ग्वार सीड के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, बाज़ार तेज़ी वाला ही है। अभी कुछ समय लगेगा ग्वार के प्राइसेस को ऊपर जाने में, अच्छी तेज़ी दिखाने में, लेकिन लंबी अवधि में तेज़ी का ही रुझान है ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर।
बात करेंगे अब यहाँ से बिनौला खल की। तो बिनौला खल का मई वायदा देख रहे हैं 2890 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बिनौला खल में 0.25% की करेक्शन है। हमने देखा है कि अब यहाँ से 3000 का लेवल तोड़ने के बाद बिनौला खल अब यहाँ पे 2800 के लेवल पर आ चुका है। पहले बिनौला खल 3000 से 3400 की रेंज में था, 3400 का लेवल दिखाने के बाद फिर बिनौला खल 3000 3100 तक ट्रेड करता नज़र आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि वायदा एक्सपायर होने के बाद अब जो नया वायदा आया है उसमें बिनौला खल के जो प्राइसेज हैं यहाँ पर थोड़े डाउन जाते नज़र आए हैं, थोड़ी गिरावट की ओर जाते नज़र आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो करेक्शन आई है ये इसलिए नहीं आई कि बिनौला खल के फंडामेंटल्स गिरावट की ओर है या नरमी वाले हैं, ये इसलिए आई है कि ये जो वायदा एक्सपायर हुआ है उसकी वजह से। दूसरा, बिनौला खल के फंडामेंटल्स तेज़ी वाले ही हैं, जैसे कि पशु चारे की कीमत बढ़ जाना, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा रहना और कॉटन के प्राइसेस तेज होना, क्वालिटी पर भी थोड़ा इशू उठा है जिसकी वजह से बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं वो एक सीमित दायरे में रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो फंडामेंटल्स हैं बिनौला खल के वो तेज़ी वाले ही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिनौला खल में अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अचानक से उछाल भी आ सकता है अभी भी। तो अभी भी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बिनौला खल में कभी भी यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है, बिनौला खल अचानक से तेज़ी की ओर जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब ये जो नया वायदा बना है हो सकता है कि इसमें वो उछाल देखने को मिल जाए। दूध के, क्योंकि हमने दूध के प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखे हैं और बाकी खलों भी ठीक ठाक हैं। हालांकि भारतीय खल के निर्यात में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, खासकर की सोया खली के निर्यात में, क्योंकि जो सोया खली है भारत की उसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, इसकी वजह से सोयाबीन खली की जो निर्यात है उसमें थोड़ी डाउनफॉल देखने को मिली है। लेकिन बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं अभी अनएक्सपेक्टेडली अचानक से तेज़ी की ओर जाते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा अभी एक्सपर्ट्स का मानना है। वहीं से बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन के भी जो प्राइसेस हैं MCX पर हमने 44,000 के ऊपर देखे हैं। अभी जिस हिसाब से साल 2021-22 में कॉटन के प्राइसेस किसानों को मिले हैं फसल ख़राब होने के बाद, उस हिसाब से उसके मद्देनज़र उसको देखते हुए किसान इस बार साल 2022 में कॉटन की बम्पर बुआई करने का मन मना रहे हैं, यानी कि बाकी फसलों को छोड़ किसान कॉटन की ओर शिफ्ट होते नज़र आएंगे अच्छे प्राइसेस के लिए। तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है इस बार ज़्यादा रह सकता है, रकबा भी ज़्यादा रह सकता है साल 2022 में। अभी जैसे जैसे बुआई का सीज़न आ जाएगा कॉटन का तो आंकड़े आने शुरू होंगे फिर उसके बाद, तो हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार में तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी आगे भी। बात करेंगे यहाँ से मसालों की, तो मसालों में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कुल मिलाकर तेज़ी वाला ही रुझान है। धनिया अच्छी तेज़ी अगस्त सितंबर तक दिखा पाएगा, 18,000 तक का लेवल रहेगा, धनिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। वहीं जीरा भी अभी हाल फिलहाल में 23,000 से 24,000 के बीच में ट्रेड करता नज़र आ सकता है, लेकिन अचानक से एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर नहीं होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मसालों में इस बार हल्दी काफ़ी तेज़ी की ओर जाती नज़र आ सकती है, क्योंकि इस बार तेल तिलहन और कपास के जो दाम हैं किसानों को अच्छे मिले हैं, तो जितने भी किसान हैं वो दूसरी फसलों की ओर शिफ्ट होंगे, जिनमें से तेल तिलहन की फसल हो गई और कपास की फसल हो गई, जिन फसलों में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला किसान इस बार साल 2022 में उनकी ज़्यादा बुआई करेंगे। और इसकी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हल्दी की जो बुआई है हो सकता है कि कम हो जाए हल्दी में, और इस फंडामेंटल के चलते हल्दी में आगे तेज़ी देखने को मिले। तो हल्दी भी बिनौला खल की तरह ही अनएक्सपेक्टेडली तेज़ी की ओर जाती नज़र आ सकती है, लेकिन ये लंबी अवधि में 6-8 महीने लग सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाज़ार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाज़ार कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है और उस पर जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।